आज है 10th of Jan और थर्सडे। तो जब अभी हम लंच करने बैठेंगे तो मैंने सोचा कि अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं, क्योंकि कल का ब्लॉग जब आज मैंने पोस्ट किया तो आज ही मेरे लिए एक सवाल आया था कि सोमाली, जब तुम्हारे घर में जब खाना लेफ्टओवर हो जाते तो आप उस खाने का क्या करते हो। तो इसका आज से ज्यादा अच्छा प्रूफ और शायद कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कल का ब्लॉग आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये दाल मैंने बनाई थी कल, तुअर का दाल, और ये सब्जी सोयाबीन का, जो कि कल कॉफी पीने की वजह से हम ज्यादा कोई भी हम इसे डिनर नहीं कर पाए, तो यह पूरा खाना रह गया है। तो और ये है आटा, तो यही आज हम लंच में करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज शाम से चलो अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट करते, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। उसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज ही जबकि ये सवाल आया है तो आज ही मेरे घर में लेफ्ट ओवर खाना है, तो क्यों ना अभी से ये ब्लॉग को शुरू किया जाते। तो खाना जो रह जाता है तो उस खाने को मैं लंच में जबकि यूज करती हूँ, या तो ब्रेकफास्ट में अगर मैं यूज करूँ तो ब्रेकफास्ट में आज मैं हमने वो फ्लेवर्ड कर्ड, फिर मुसेली और फ्रूट्स जो लेते हैं उसके साथ हमने ब्रेकफास्ट किया, और लंच के लिए यूज कर रही हूँ। तो इस टाइम में मैं सॉरी लंच करने से पहले से मैं गर्म कर लेती हूँ, और अभी मैं गर्मा गर्म रोटी बना लूंगी, इसके साथ हमारा लंच हो जाएगा, और थोड़ा सा अनियन कट कर लूंगी। और अभी तक के हम एवरीडे जबकि हम वर्कआउट करके वापस आते थे तो हम बाहर से ब्रेकफास्ट करते थे, क्योंकि जब आपका रूटीन नए तरीके से सेट होता है ना, तो उस टाइम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम से कम मेरे लिए तो होता है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसी टाइम में आर्यन को स्कूल भेजना है, सेम टाइम में हमें भी कुछ खा के वर्कआउट के लिए जाना है, 1 घंटे बाद इतना थक जाती हूँ क्योंकि नया नया कर रही हूँ ना अभी, तो इतना थक जाती हूँ कि घर में आने के बाद ब्रेकफास्ट बनाना, फिर आर्यन मिथुन ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए लंच पैक करके देना, लंच तो मैं आर्यन के साथ ही बना लेती हूँ पर उस टाइम वो पैक करके देना, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में आ गई थी मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं एक अच्छा सा रूटीन ना सेट कर लेती हूँ तब तक हम बाहर से वही इडली वगैरह ये इतना भी क्या बोलूँ, हाँ उसमें कर्व तो रहता है पर इतना भी हार्मफुल नहीं होता वो एवरीडे अगर खाने से भी, पर बाहर का खाना है वो लोग कौन सा ऑयल यूज करें इसका हमें कोई आता पता कुछ नहीं है, तो इसलिए हम बाहर का खाना नॉर्मली अवॉइड करते हैं। तो अभी मेरा एक रूटीन बन चुका है कि अभी मैं किस तरह से कौन सी चीज़ अरेंज कर रही हूँ। रात को जबकि मैं मिथुन और आर्यन के लिए लंच का प्रिपरेशन कर लेती हूँ तो उसी टाइम में नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट का भी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो वही कर रही हूँ। थकान होता है ना तो टाइम मतलब थोड़ा सा भी रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलता, तो उसी टाइम में हर एक चीज मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फर्स्ट वीक में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो अभी मैं धीरे धीरे ये सीख रही हूँ, क्योंकि बाहर का ब्रेकफास्ट या खाना हम हर रोज नहीं खा सकते, पर टाइम को थोड़ा सा संभालने के लिए थोड़ा सा हर एक चीज को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि उस चीज को हम समझे, उस चीज को हम हैंडल करना सीखे। तो वही टाइम उसी टाइम में मैं ये सब कुछ मैनेज करना सीख लिया था, तो लास्ट 2 दिन से हम वही फॉलो कर रहे हैं। कल आर्यन के टिफिन के लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे, तो इसलिए यहाँ पे कॉलीफ्लावर भिगो के रखा है, और ये जो मिल्क के पैकेट्स है ये मैं हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ, तो इसे भी मैंने भिगो के रखा है कि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए, और इसे मैं गर्म करके रखूंगी क्योंकि आज इसका लास्ट डेट है।
बात मैं आपको बता दूं कि मैं दिन के टाइम में भी क्यों अपने किचन में स्पेशली अपने किचन में लाइट्स ऑन करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे सामने और एक मेरे हमारे जो ये सोसाइटी है उसके बिल्कुल पीछे ही जहाँ पे मेरा किचन है वहाँ पे और एक बड़ा सा बिल्डिंग है, तो सनलाइट ज्यादा अच्छे से नहीं आता। मेरा काम करने के लिए तो हो जाता है, पर जब भी मैं शूटिंग करती हूँ तो उस टाइम में कैमरा में मतलब कुछ ठीक से मतलब आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा। अभी 6:30 बज चुके हैं और हरियन को भी पढ़ने आ गए हैं, और पता नहीं क्यों आज मतलब दोपहर से मुझे इतना ठंड लग रहा था कि मैं ये फूल ये सब पहन के बैठी हूँ। वैसे बैंगलोर में ज़्यादा ठंड है नहीं, पर आज मतलब मेरा कोई प्रॉब्लम है या क्या पता नहीं, पर आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और गले मतलब गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। आज सुबह हम गए थे आर्यन के सेकंड वैक्सीनेशन के लिए डॉगी के वजह से, तो वहाँ पे हम गए कि चाय पीने के लिए, चलो एक एक कप चाय पी के जाते हैं, गर्मा गर्म चाय। थोड़ा सा ठंड था उस टाइम में, फिर चाय जस्ट 2 सिप लगाई मैंने, और वहाँ का चाय बहुत अच्छा बनता है। 2 सिप लगाई और एक बच्चा, हाँ बच्चा ही आर्यन से थोड़ा सा छोटा, जैसे एक बच्चे आके बिल्कुल मेरे चाय के कप के सामने एक छींक लगा दी, और उसके बाद मैं वो चाय और नहीं पी पाई। मतलब है मेरा मतलब ऐसा कुछ, हर किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों पर, मुझे खाने पीने के मामलों में मैं थोड़ा सा ऐसे हूँ। तो उसके बाद और चाय नहीं पी पूरे दिन में, और अभी मुझे लगता है कि मेरे गले के लिए मुझे थोड़ा सा चाय पीने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ दे रहा है ये मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जैसे के लिए तो बनाऊंगी, और मैं अपने लिए भी थोड़ा सा बना लूंगी। अभी गले को थोड़ा सा आराम मिल रहा है, लग रहा है कि मतलब दर्द को दवा मिलता है, जैसे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी
सो गाइस अभी मैं अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ क्योंकि शाम के टाइम से मेरा गला में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो उस टाइम में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो फेस क्लींजर जो मैं यूज़ करी वो है कामा आयुर्वेदा का, जो कि मेरा मतलब बहुत दिनों से मैं कामा आयुर्वेदा का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो फेस क्लींजर है ये भी काफ़ी नेचुरल है और इसके ऊपर मतलब पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं। और सच बोलूँ तो कामा आयुर्वेदा स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बनाया गया है क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के स्किन पे बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल है फिर भी सूट नहीं कर रहे, पर कामा आयुर्वेदा किसी को सूट नहीं किया ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना, रिव्यू में भी मैंने नहीं पढ़ा, पर हाँ थोड़ा बहुत कॉस्टली है ये ब्रांड। तो ये है कामा आयुर्वेदा के रोज जैस्मिन फेस क्लींजर और सारे जितने भी डर्ट्स पॉल्यूशन मतलब जो भी सारी चीज़ें होते हैं वो तो निकल देते हैं, ये उसके साथ साथ स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी रखते हैं। और ये इसका जो मतलब बिल्कुल बच्चों के मतलब बेबी शैम्पू जैसे होते हैं ना, बिल्कुल शैम्पू की तरह पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो ये यूज़ करने में भी बहुत आसान हो जाते हैं। और मेरे हाथ में जैसे पानी जैसा कुछ था तो जब भी मैंने फेस में अप्लाई की तो अभी फोम क्रिएट हो रहा है और बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, इतना पतला होने के कारण गाढ़ा जब होते हैं ना तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो ये काफ़ी महंगा भी है तो इसलिए थोड़ा सा यूज़ करने से भी आपको चलेगा, एक छोटा सा फाइल भी काफ़ी दिन चल जाएगा। बाद मैं यूज़ करूँगी एक फेस पैक और वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा के, कामा आयुर्वेदा का लवण्या नेचुरल प्लांट मास्क। ये भी मतलब प्योर नेचुरल है और का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है स्वीट फ्लैग एंड लिकोराइस। लिकोराइस तो आपको पता होगा जो कि उसका और एक नाम है मुलेती, हाँ मुलेती, जो कि बंगाली में कहा जाता है जोष्टी मधु। और उसका अलग सा पाउडर मैं क्योंकि लिकोराइज स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने के लिए और यंगर लुक मतलब एंटी एजिंग के लिए ऑसम इंग्रेडिएंट है, तो इसका जो मैं आपको दिखा दूँ ये जो पाउडर है ये कम्प्लीटली वही चीज़ों से बनाया गया है। और ये है प्लांट, तो पता होगा कि लिकोराइज एक्चुअली एक प्लांट है, इसे किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँ। एक बोल में सबसे पहले जितना आपको ज़रूरत है फेस पैक के लिए उतना आप ले लीजिए इसमें, और उसके साथ आप ऐड कीजिए प्लेन वाटर, पर मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ करूँगी क्योंकि जब भी फेस पैक मैं बनाती हूँ ना तो प्लेन वाटर से मैं उसे मेल्ट नहीं करती, मतलब पैक उसका नहीं बनाती, रोज़ वाटर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और रोज़ वाटर भी मैं यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर, प्योर रोज़ वाटर, और ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। फेस मास्क यूज़ करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए वो मैं करती हूँ, पर आज का रूटीन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज मैं बात तो नहीं करूँगी क्योंकि फेस मास्क अप्लाई करने के बाद बात नहीं करना चाहिए, बट मैं अभी कॉलीफ्लावर खींचूँगी क्योंकि मुझे गोभी के पराठे बनानी है आर्यन के लिए कल टिफिन के लिए, तो वो मैं बना लूँगी जब तक कि ड्राई होगा क्योंकि ड्राई फेस मास्क ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मिथुन आज गए हैं पार्टी में, ऑफिस पार्टी, वो मैंने आपको बोला, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली क्या आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ क्या नहीं, आज ऑफिस पार्टी है तो आज तो मिथुन घर में डिनर करने वाले भी नहीं है, तो हम लोग लाइट कुछ खा लेंगे आज, ज़्यादा कुछ बनाने के चक्कर में आज हम नहीं हैं। तो हमारे के लिए जो कल का जो टिफिन होगा वही हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी होगा करके, और कर्ड वगैरह जो रहता है वो हम मतलब वर्कआउट के लिए जब जाते हैं उससे पहले खा के जाते हैं, पर कल हमारा मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं है, इवनिंग के टाइम में है क्योंकि स्लॉट हमें मिला इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग में नहीं मिला। तो यही होगा, तो चलिए प्रिपेयर करते हैं, मेरे साथ किचन में चलिए, मैं काम करती हूँ और आप देखते रहना, सॉरी अभी काफ़ी टाइम तक आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगी।
फेस पे है, रिमूव करने के बाद स्किन जो है काफी ग्लो और काफी मॉइस्चर भी लग रहा है। ऐसे पाउडर फॉर्म में आते हैं और इसे पैक बना के यूज करना पड़ता है, तो देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे यूज करूँ तो उसके बाद नहीं कितना ड्राई दिखेगा स्किन और कैसा लगेगा, पर आप देख सकते हैं कि काफी मॉइस्चर लग रहा है स्किन मेरा। तो हो गया है इवनिंग के टाइम में मेरा जो एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन है वो, और इसके साथ अभी चलता रहेगा मेरा और पूरा इवनिंग, और उसके बाद होगा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। चाहे आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो अगर उसे रेगुलर मतलब कंटिन्यू अगर आप करते हैं ना, तो मतलब स्किन का अगर पूरा पूरा अगर आप ध्यान रखते हैं तो जितना भी चाहे आपका एज हो, आपके एज के साथ साथ आपका जो स्किन का एज है वो नहीं बढ़ता। और इसका मैं खुद इसका प्रूफ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एज के हिसाब से मेरे जो स्किन का एज है वो बहुत ही कम लगता है। और सबसे खुशी की बात ये है कि अभी purple.com पे कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। तो कामा आयुर्वेदा के जितने भी चीज़ें मतलब मैं यूज़ करती थी उसके बारे में आप लोग सब ने पूछा था, तो अभी आप वो सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। पर शायद पता होगा कि कामा आयुर्वेदा काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है, तो इसलिए इसमें उस तरह के कुछ ऑफर नहीं चल रहा है। ऑफर जो चल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि कोई भी कामा आयुर्वेदा का अगर आप चीज़ें परचेस करते हैं तो आपको 8 ग्राम के प्योर शिया बटर मिल रहा है, और बेस्ट सेलर को दिया जाएगा एक किट जिसका प्राइस होगा 400 रुपीज़। और अगर 1000 के ऊपर आप परचेसिंग करते हैं तो आपको वो किट के साथ साथ एक शिया बटर के जो पैकेट है मतलब 8 ग्राम के वो भी दिया जा रहा है। तो अगर आपको ये सारे चीज़ों के लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे सारे चिप प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये मैं आपको कई बार दे चुकी हूँ, तो फिर भी मैं आपको और एक बार बोल रही हूँ, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर्स सब आ रहे हैं ना, तो उसके बाद भी बोलते कि शोमली दी क्यों आप इसका जो फुल रेसिपी है वो नहीं दिया। तो चलिए ये स्टफिंग बनाते हैं, किस तरह से मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं अभी ऐड करने वाली हूँ, ये तो मैंने कद्दूकस कर लिया है वो तो आपने देखा है, तो इसमें मैं अभी ऐड करने वाली हूँ चॉप्ड अनियंस, सब एक साथ मैं ऐड कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ऑयल में कढ़ाई में कुक कर लेती हूँ। फिर ये है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये है जिंजर एंड रेड चिली पाउडर रोस्ट। जितना दिख रहा है ना अभी, तो ये कुक करने के बाद बहुत ही कम हो जाएगा, इसका क्वांटिटी रिड्यूस हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आप बना लीजिए। और ये मिक्स करने के टाइम में इसमें से इतना अच्छा एरोमा आता है ना, और खाने के टाइम में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। हम डिनर कर रहे हैं। आर्यन डिनर कैसा हुआ? भालो अच्छे। एक्चुअली कल रात को और आज लंच में भी हमने रोटी खाए, और रोटी इतना भी खाना हमारा मतलब आदत नहीं है, हम थोड़ा राइस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सा प्लेन राइस, कोई बासमती चावल भी नहीं है, तो प्लेन राइस के साथ थोड़ा सा जो बिन ग्रीन पीस और कैरेट के साथ थोड़ा सा वो चिंग्स का जो मसाला होते हैं ना फ्राइड राइस मसाला, वो मसाला थोड़ा सा दे के एक फ्राइड राइस टाइप बना लिया है। उसमें आर्यन बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरे दिन तो पार्टी वार्टी करके थोड़ा सा लेट नाइट आने वाले हैं, उसके बाद लॉन्ग मतलब 3-4 दिन तक हम तीनों एक साथ। और एक खुशी की बात यह है कि इस संडे हम सोसाइटी में एक फैमिली मतलब हम सारे बंगालीज हमारा ग्रुप मिल के हम जा रहे हैं एक रिजॉर्ट में, थोड़ा सा मतलब वही खुशी मतलब पिकनिक तो नहीं बोल सकती उसे,
पर थोड़ा सा घूमने रिलैक्स करने एक दिन के लिए जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाले हैं संडे, तो संडे के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। और मतलब ये वीकेंड जो है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। बस यही है जो कि मन ही मन में एक चीज़ होता है ना कि आपको खुशी देती है, तो ये चीज़ मेरे मन में था जो कि मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरा प्लान हुआ था, पूरा प्लान होने के बाद से लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो और जब भी मेरा खुशी की और जब भी मेरे लाइफ में खुशी की कोई पल आते हैं, तो जब तक ना आपके साथ मैं वो सारी चीज़ें ऐसे शेयर करती हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ, वो ऐसे खिलता नहीं है, मतलब ऐसे बर्ड होके रहते हैं, ऐसे खिलता नहीं है। मिथुन आ गए हैं पार्टी से, और पार्टी में मिथुन कुछ नहीं खाए क्योंकि सब तंदूर के आइटम्स सब ऑर्डर किए गए थे, ऑफिस पार्टी था और तंदूर के आइटम्स मिथुन नहीं खा पाते, मिथुन को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये है गुड़ का पायसम। हाँ पायसम तो कहते हैं ना, खीर, गुड़ का खीर, वो भी कोलकाता के गुड़ का खीर। तो ये थोड़ा सा खा के मिथुन सो जाएंगे। और डिनर आज मैं इतना कम बनाई थी कि इतना इतना हम दोनों ने लिया था, मैं और आर्यन ने, और बहुत ही कम कि हाँ रात में वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना है और थोड़ा सा एवरीडे कुछ ना कुछ रह जाता है, तो अगर आज कुछ रह जाता तो अच्छा होता। मिथुन भी बोल रहा है कि नहीं अभी काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं, तो 11 बजे कुछ खाना मत बनाओ, अभी जो है वही दे दो। और मिथुन की किस्मत में आज डिनर में लिखा है ये पायसम, आज डिनर में राइस खीर, राइस एटलीस्ट पेट में राइस जा रहा है, चाहे खीर के रूप में हो या फ्राइड राइस के रूप में हो। आज मैं फ्राइड राइस बनाई थी थोड़ा सा वेजिटेबल के साथ, थोड़ा सा पता होता तो बोल देता। हाँ सच में अगर तुम कुछ नहीं खा रहे हो तो मुझे फोन कर देना चाहिए था कि हाँ, या फिर ये सब बाहर आके थोड़ा सा बाहर आके मतलब साइट हो के तुम मुझे फोन कर सकते थे, फोन करने से मैं सब मतलब थोड़ा और बना लेती। अच्छा ना मीठा मिल गया। और क्या, मैं और आर्यन हम दोनों, आर्यन बोल रहे थे हाँ डैडा बाबा भी पार्टी कर रहे हैं और हम यहाँ पे घर में ऐसे आर्यन का शौक लग गया तुम्हें। आपको मैं अभी यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं जाती हूँ सोने, और आर्यन आज बहुत लेट तक सोया था, मतलब डॉक्टर के वहाँ से आने के बाद भी वो सो गए थे, तो आर्यन अभी उस कमरे में पढ़ाई कर रहे, और पढ़ाई मीन्स वही स्टोरी बुक, ऐसा नहीं कि वो स्कूल के पढ़ाई कर रहे, और हम जा रहे हैं अभी सोने। तो कल मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, और कल बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बस लॉन्ग वीकेंड का जो स्टार्टिंग का जो मज़ा है वो होने वाला है। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।